आज हम बनाएंगे दूध का पिट्ठा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और एक बार में ही परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 2 बाउल पानी, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून चीनी और साथ में 1 पिंच नमक डालेंगे। किसी भी मीठे चीज़ में अगर आप 1 पिंच नमक डालते हैं तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे चीनी भी जो है अच्छे से घुल गई है और पानी में उबाल आ गया है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 1 बाउल लेंगे चावल का आटा और मीडियम फ्लेम पर ही कंटिन्यू इसमें डालेंगे और इस तरह मिक्स करते जाएँगे। तो थोड़ी देर बाद में ही आप देखेंगे इस तरह से जो है जमने लगता है। तो अब हम यहाँ पे गैस को कर देंगे बंद और इसे हम ढक के रख देंगे, जिससे चावल का आटा जो है वो भी थोड़ा सा फूल जाएगा और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। तब तक हम यहाँ दूसरे पैन में लेंगे 100 ग्राम मावा। ये मार्केट का मावा है, अगर घर का मावा हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर से भी इंस्टेंट मावा बना के उसका भी यूज कर सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर इस मावा को अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि इसे मुझे लाए हुए 2 दिन हो चुका था जिसे मैं फ्रीजर में रखी थी, इसीलिए पहले थोड़ा सा सेक ले रही हूँ। अगर फ्रेश हो तो आप डायरेक्ट भी इसका यूज कर सकते हैं। इसे भी अब हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे चावल का आटा जो है और ये मावा दोनों थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो इस मावा में हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे मैं ली हूँ आलमंड, काजू और पिस्ता, सबको बारीक कट करके ली हूँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, बाकी को हम बचा के रखेंगे, यूज करेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, साथ में ही 1 टेबल स्पून डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर है घर में इसे एक बार ज़रूर डालें, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग जो है बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ली हूँ 1 टेबल स्पून जितना घी, हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस चावल के आटे को अच्छे से बिल्कुल नॉर्मल आटा जो लगाते हैं हम चपाती के लिए उसी तरह से गूँथ लेंगे। तो यहाँ थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि इस तरह ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें हमें ना ही पानी डालने की ज़रूरत है और ना ही कुछ भी, सिर्फ हाथ में घी लगा के आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसे हम ढक के थोड़ी देर के लिए रख लेंगे और इसमें यहाँ लेंगे 1/2 लीटर दूध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट पैकेट वाला दूध का ही यूज कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसमें जो बची हुई ड्राई फ्रूट्स है उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे, साथ में ही 1/4 टीस्पून से कम डालेंगे इलायची पाउडर। अगर आपके पास केसर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में ही 2 टेबल स्पून डालेंगे चीनी। ये पिट्ठा जो है हल्की मीठा ही अच्छा लगती है, बहुत ज़्यादा मीठा होने से इसे आप बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते हैं। तो अब हम इसे इसी तरह पकाते रहेंगे बीच बीच में चलाते हुए। और यहाँ पे तब तक हम अपना पिट्ठा भी जो है तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे और इसके पूड़ी के साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स को जो है बना लेंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगा ले रही जिससे ये चिपके ना, तो इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये जो है रेसिपी कैसी लगी। अब हम जिस तरह कचौड़ी बनाते हैं या फिर किसी भी चीज़ का पूड़ी बनाते हैं स्टफ वाली, उसी तरह हम इसे भी इसमें मावा को अच्छे से भर लेंगे। इस पिट्ठा को आप चाहे तो डायरेक्ट स्टीम करके भी खा सकते हैं, पर एक बार जो है इस तरह दूध वाली यानी कि रबड़ी में डाल के इसे एक बार बना के खाएं, आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे आराम से फ्रिज में रख के आप 3 से 4 दिन तक भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ठंडे होने के बाद में ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी तरह हम सारे पिट्ठे को भर के तैयार करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी मिठाई की रेसिपी जो है कैसे आप इजी तरीके से बना सकते हैं शेयर की हूँ। जैसे कि गर्मी का टाइम है तो आइसक्रीम की रेसिपी भी शेयर की हूँ, तो आप जाके देखें और ज़रूर ट्राई करें। एक बार में ही अगर आप पूरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपकी सारी रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार होगी। और नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी चाहिए ये भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। तो यहाँ सारे पिट्ठे जो है मैं भर के तैयार कर ली हूँ और दूध को भी पकते पकते थोड़ा सा टाइम हो चुका है। इसे इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसमें सारे पिट्ठे को इस तरह डाल देंगे मीडियम फ्लेम पे ही।
सबको डालने के बाद में हल्के हाथों से इस तरह हिला लेंगे और उसके बाद में इसे हम ढक देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, जिससे दूध जो है इस पिट्ठे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और वो और भी टेस्टी बने। तो थोड़ी देर बाद मैं 10 मिनट बाद गैस बंद कर दी, तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, थोड़े से क्रैक्स भी आ चुके हैं। तो अब इसे अच्छे से ठंडा करेंगे फिर सर्व करेंगे। तो ये पिट्ठा हमारी दूध वाली बन के तैयार हो चुकी है और आप भी इसे ट्राई करें, कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।